चाणक्य IAS अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 पे, जो हाल ही में भारतीय शहर हैदराबाद को दिया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी का पुरस्कार मिला है। भारत से एकमात्र शहर को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हैदराबाद को दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 और दूसरा लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। अवार्ड के बारे में अगर विस्तार से बात करें तो यह भारत का इकलौता शहर है जिसे इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। हैदराबाद ने विश्व के अन्य प्रमुख शहरों को इस दौर में पीछे छोड़ दिया है। हैदराबाद शहर ने यह अवार्ड लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी में जीता है। हैदराबाद शहर ने विश्व के प्रमुख शहरों जैसे कि पेरिस, बोगोटा, फोर्टालेजा, मैक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल जैसे शहरों को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड जीता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स अवार्ड का आयोजन IUCN लीडर्स फोरम के एक भव्य कार्यक्रम में किया गया। इसमें विश्व के शहरों को 6 श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किए गए हैं। यह आयोजन दक्षिण कोरिया के जेजू शहर में किया गया था। हैदराबाद ने यह अवार्ड कैसे जीता? तो हैदराबाद को यह अवार्ड उसकी प्रकृति उन्मुक्त दृष्टिकोण के आधार पर दिया गया है। यह अवार्ड हैदराबाद शहर की हरियाली उसके प्रति शहर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हैदराबाद शहर में ग्रीन जोन क्षेत्र के बेहतर रखरखाव और ग्रीन जोन के विकास ने शहर को टॉप पर पहुंचाया है। अगर बात करें 6 श्रेणियों की कि जिन श्रेणियों में ये अवार्ड मिले हैं और उनके विजेता कौन है, तो लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ये अवार्ड ग्रीन गार्डलैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद को दिया गया है। लिविंग ग्रीन फॉर बायोडायवर्सिटी रेवर डेसर बोगाटा बोगाटा DC कोलंबिया को मिला है। तीसरी श्रेणी में लिविंग ग्रीन फॉर क्लाइमेट चेंज मैक्सिको सिटी का पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम मैक्सिको सिटी मैक्सिको को दिया गया है। लिविंग ग्रीन फॉर हेल्थ एंड वेलबींग सिटी ऑफ फोर्टालेजा ट्रांसफॉर्मिंग डिग्रेडेड लैंड इंटू अर्बन माइक्रो पार्क्स सिटी ऑफ फोर्टालेजा ब्राजील को मिला है। लिविंग ग्रीन फॉर वाटर मोनिट्रियल बॉटनिक गार्डन स्पेस फॉर लाइफ मोनिट्रियल कैनेडा को दिया गया है। और लास्ट श्रेणी लिविंग ग्रीन फॉर सोशल कोहेजन ओएसिस स्कूल यार्ड प्रोजेक्ट पेरिस फ्रांस को दिया गया है। AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड के बारे में अगर हम विस्तार से बात करना चाहें तो AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड विश्व के विभिन्न शहरों द्वारा किए गए ग्रीन जोन प्रयास, प्रकृति का बचाव और इस क्षेत्र में किए गए नवाचार के सफल एक्शन के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड शहरों में हरियाली और पर्यावरण के बचाव के लिए उठाए गए कदम को मान्यता देता है और साथ ही विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऐसे शहरों को सम्मानित करता है। इस अवार्ड के नेटवर्क पार्टनर में बायोफिलिक सिटीज, सिटीज एंड हेल्थ सिटीज, सिटीज विद नेचर, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन रूफ एंड ग्रीन वॉल एसोसिएशन, द ग्लोबल टास्क फोर्स ऑफ लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट आदि शामिल है। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर याद रखें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।